Hello dear students, you all are most welcome in our next English class. In this class, we are going to solve some questions of do as direct. आज की वीडियो में हम do as direct के questions को कैसे solve करेंगे exam में ये सीखते हैं. तो सबसे पहले देखिएगा do as direct क्या होते हैं. do का मतलब होता है करना, as direct मतलब जैसा, do as directed. do का मतलब होता है करना as directed, मतलब जिस sentence को जैसा direct किया गया है वैसे अपन को करना है. तो बहुत से स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता कि डू एज डायरेक्ट का मतलब क्या होता है या डू एज डायरेक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. डू एज डायरेक्टेड रोहन स्पीक्स इंग्लिश. पहले सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट किया है, चेंज द सेंटेंस इंटू नेगेटिव. अभी हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसको नेगेटिव किया जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें हमें नॉट का प्रयोग करना रहता है. तो पहला क्वेश्चन का नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि हमारा रोहन क्या है. अब देखेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हमें वर्ब में एसईएस का प्रयोग करना होता है और जो हेल्पिंग वर्ब है डू डस का प्रयोग नहीं करना होता है. अब जैसे ही सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है रोहन, तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब डू डज में से डज का प्रयोग करते हैं. तो रोहन डज, फिर नॉट करेंगे क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, रोहन डज नॉट. अब स्पीक से हम क्या करेंगे, जो एस आई एस है उसको हटा देंगे, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश. ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा और इतने में आपका एक नंबर पक्का. इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. जो हमारा वर्ब में एस आई एस लगा दिखेगा तो हम पहचानेंगे जो हमारा वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें हमें डू डज का प्रयोग करना है और नॉट का प्रयोग करना है. डू डज का प्रयोग क्या करेंगे, किस बेस पे करेंगे, सब्जेक्ट के बेस पे, क्योंकि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग किया जाएगा. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा. देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. योर पेन क्वेश्चन मार्क स्लैश कैन स्लैश गिव स्लैश मी स्लैश यू. रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इसमें जो जम्बल्ड वर्ड हैं, जो इधर उधर वर्ड लिखे गए हैं शब्द, इनको रीअरेंज करना है. रीअरेंज मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसका कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जिसका कोई जो सेंटेंस बने जिसका कुछ अर्थ निकले. तो अपन क्या करेंगे, अब देखेंगे जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है. तो इंटरोगेटिव के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. जब हमारा इंटरोगेटिव में डबल टाइप क्वेश्चन बनता है तो व्हेन व्हाट वेयर इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं, लेकिन व्हेन व्हाट वेयर कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि कैन, इसका प्रयोग पहले किया जाएगा. तो क्या हो जाएगा, कैन. फिर क्या होगा, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट होगा. चलिए पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूँ. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड. इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है. तो अपन क्या ट्रांसलेट करेंगे, कैन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा, कैन दूसरे नंबर पे यू आ गया, फिर मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है, गिव, देना, कैन यू गिव. अब क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कैन यू गिव मी. योर पेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदर वर्ड हो जाएंगे, कैन यू गिव मी योर पेन. इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन. चूँकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो बाद में लिखा जाएगा. तो आई होप क्लियर होगा. इसका नियम अपने फॉर्मूला याद रखना है, सेंटेंस को पहचानना है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब क्या आएगा, वर्ब कब आएगा, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे. तो आई होप सबको क्लियर होगा और सभी लोग इसका भी वन नंबर जो है एग्ज़ाम में ऑब्टेन कर पाएंगे. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट किया गया है, द ट्रेन वॉज डिलेड फुल स्टॉप, द वेदर वॉज बैड. चलिए फोर्थ पे आ गए अपन, पहले थर्ड देखते हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, मतलब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाना है. अभी जो सेंटेंस है वो कौन सा हमारा, आर प्लेइंग है, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है. तो परफेक्ट क्या बनेगा, परफेक्ट में हम हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो अभी चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, चिल्ड्रन चूँकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो चिल्ड्रन के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा. अब प्लेइंग क्या है, वर्ब में आईएनजी लगी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है,
तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। परफेक्ट में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को क्या बनाएंगे, चिल्ड्रन हैव प्लेइंग की जगह प्लेड, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। तो आई होप सबको क्लियर होगा, ये सेंटेंस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इसमें भी आपको एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द ट्रेन वॉज डिलेड फुल स्टॉप, द वेदर वॉज बैड। कम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। कम्बाइन का मतलब होता है जोड़ना, इस सेंटेंस को कम्बाइन करना है, जोड़ना है यूजिंग बिकॉज का प्रयोग करके। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होगा क्योंकि। अब दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब है द ट्रेन वॉज डिलेड, जो ट्रेन थी वो क्या थी, डिलेड थी, मतलब लेट थी। द वेदर वॉज बैड, वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम कैसा था, बैड था, बुरा था। तो हमको समझ में आ रहा है कि द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, ट्रेन लेट थी क्योंकि मौसम खराब था। तो डायरेक्ट बिकॉज लिखेंगे बीच में और दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमारा, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू पैसिव बॉयज, पैसिव बॉयज में इसको चेंज करना है। तो पैसिव बॉयज कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका नियम बता देता हूँ आपको, पैसिव बॉयज में चेंज करने का नियम क्या होता है। नियम याद रखेंगे, उसके तरीके से अपन सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। जब भी पैसिव बॉयज का नियम देख लीजिएगा, जब भी हमारा सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या किया जाएगा, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम या आर। जब सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब सेंटेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा मतलब आई एन जी वाला तो क्या किया जाएगा, इज एम आर प्लस बींग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर होगा। चलिए अब आगे इसको ट्रांसलेट करते हैं। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो इज एम आर प्लस कंटिन्यूअस में बींग शब्द को जोड़ के फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे सेंटेंस क्या है हमारा, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, मतलब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो फिर सबसे पहले क्या होता है इसका नियम देख लीजिएगा, एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस हमारा द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। इस सेंटेंस को यहाँ लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं पैसिव बॉयज के। नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना रहता है। तो इसमें पहचानेंगे द बॉयज क्या है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग क्या है मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है उड़ाना, फिर काइट्स क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बॉयज के नियम के हिसाब से जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, काइट्स पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा काइट्स। अब देखेंगे हम काइट्स क्या है, प्लूरल है तो काइट्स के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का ही प्रयोग किया जाएगा, काइट्स आर। फिर हमने देखा कंटिन्यूअस की जब फोर्थ फॉर्म आएगी मतलब फ्लाइंग आएगा तो बींग थर्ड फॉर्म किया जाएगा, तो काइट्स आर विंग। अब देखेंगे फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्लॉन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन फ्लॉन, ये क्या होगा फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म होगा, इसको सही कर लीजिएगा यदि समझ में ना आए तो, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, काइट्स आर विंग फ्लॉन, कौन उड़ा रहा है द बॉयज। तो इसको अपन बाद में लास्ट में लिख सकते हैं बाय द बॉयज, बाय द बॉयज लास्ट में लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा पैसिव बॉयज हो जाएगा। पहले सेंटेंस का मतलब था द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अब सेंटेंस का मतलब है काइट्स आर बींग फ्लॉन बाय द बॉयज, पतंगे बच्चों के द्वारा उड़ाई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स। इस क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास,
rewrite using unless in place of if. इसमें इस सेंटेंस को rewrite करना है, मतलब फिर से जमा के लिखना है. जो unless शब्द है, unless in place of if, यहाँ पे unless कहाँ पे है, if you work hard in place of if, मतलब if कहाँ पे है, if you work hard शुरू में if दिया है, इसको अपने क्या करना है, रिमूव करना है, इसके बजाय unless का प्रयोग करना है. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए. अब इफ़ और अनलेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखेंगे. इफ़ का मतलब होता है यदि, और जो अनलेस होता है वो इसका नेगेटिव होता है, मतलब अपोजिट. इसका मतलब होता है, वो हो जाता है यदि नहीं. तो जब भी हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव करना रहता है. चलिए देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. अब इफ़ को हटाएंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका अभी क्या मतलब है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे. अब इसका सही आंसर क्या बनेगा फिफ्थ का, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास. अब यहाँ पे नॉट कहाँ से आ गया, क्योंकि अनलेस से क्या था, हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था वो नेगेटिव हो गया था, तो हमें सेकंड वाला सेंटेंस भी नेगेटिव करना रहेगा. ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग था वो चेंज ना हो. अभी मीनिंग क्या था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे. अब मीनिंग क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका नेगेटिव हो गया, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं हो पाओगे. बात एक ही है, पहले इफ़ से जोड़ा गया था सेंटेंस को, तो हमने क्या किया है, जैसा डायरेक्टेड किया गया था इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग किया है, तो बात वही है, अभी भी उसका मतलब वही है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ये इसका करेक्ट हो जाएगा. और इस तरह के क्वेश्चन में आप आसानी से ग्रामर के जो 5 नंबर हैं वो कवर कर पाएंगे एक ही वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझ के. तो इसी तरह की और सारी वीडियो देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें.